हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने ऑक्टोपस ऑमलेट खाया होगा। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है ऑक्टोपस ऑमलेट की, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल में 4 eggs निकाल लिए हैं और इनको अब अच्छे से बीट करेंगे, और अब इनके अंदर ऐड करेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1/4 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/4 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1/4 teaspoon चाट मसाला पाउडर। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने रख दिया है गैस पर पैन को गर्म होने के लिए, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 teaspoon बटर, और बटर के अंदर ही हम ऐड कर देंगे 1 teaspoon रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल मैं इसलिए डाल रही हूँ, इससे बटर जलेगा नहीं। अब बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे जो अंडे का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको। अब इस मिक्सचर को हम डालने के बाद में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि नीचे से अच्छे से सिक जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, और एक बार तो इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब आप देख सकते हैं ये नीचे से हल्का हल्का सा सिकना शुरू हो गया है, और ऊपर से इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे। क्योंकि ऑमलेट जो हम बना रहे हैं काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसे पहले इस तरीके से एक प्लेट के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको दूसरी तरफ से पैन के ऊपर डाल दूंगी, तो ऐसे आसानी रहेगी इसे फ्लिप करने में। और बस इसी तरीके से अब नीचे से भी इसको हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है। तो अब ऑमलेट तो हमारा ये रेडी हो चुका है, तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो अब इसी पैन में हम डाल देंगे 1 teaspoon बटर, और इसको मेल्ट करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है, इसकी वजह से बटर जलेगा नहीं, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे हम। तो अब इसमें कुछ वेजेस ऐड करेंगे हम, जैसे कि 1 tablespoon चॉप किया हुआ अनियन, 1 चॉप की हुई ग्रीन चिली, और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इनको इतना ही फ्राई करना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने वेजेस का इस्तेमाल किया है, एग्स का इस्तेमाल किया है, जो बच्चों के लिए ही क्या, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप किसी भी वेजिटेबल का जो आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 tablespoon इसमें टमाटो डाल दिए हैं, इन्हें भी चॉप कर लिया है और इनके सीड्स निकाल लिए हैं, और 1 tablespoon यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने इसमें कैप्सिकम, और इन सबको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 tablespoon ग्रेट किया हुआ बीटरूट, और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा सा ओरिगैनो। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1/4 teaspoon ओरिगेनो डाल दिया है। और 1/4 teaspoon इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्सेस का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon टोमेटो सॉस। तो मैं यहाँ पर रेड चिली टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के अराउंड शेजवान सॉस, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसका हो जाता है। और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये लीजिए। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब जो हमने ये ऑमलेट बनाया था फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम इसे स्टफिंग को डाल देंगे, बिल्कुल सेंटर में इसे डालना है और इसे इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। तो इसको तो अच्छे से हमने स्प्रेड कर ही दिया है। अब इसमें मैं खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, आप इसको डाल दीजिए इसके ऊपर। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो मैंने लगभग 4 टेबल स्पून के अराउंड इसके ऊपर डाल दिया है मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको फ्लिप करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक प्लेट इस तरीके से रख दी है, ये लीजिए। अब मैंने इस प्लेट को इस तरीके से फ्लिप कर दिया है और अब हम हटा देंगे। तो इतना तो तैयार हमारा ऑमलेट ये हो ही चुका है। अब बारी आती है इसको कट करने की। तो अब इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे कट करना है। चारों तरफ से इसे हम कट करेंगे इस तरीके से। अब ये हमने कट की थी लेयर्स, इसकी इनको हटा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है ये, बहुत ही यमी ऑमलेट बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो ये देखिए सारी लेयर्स मैंने इसकी हटा दी हैं। अब हम बनाएंगे एक हाफ फ्राई। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हम बटर ऐड कर देंगे, लगभग 1/4 टीस्पून के अराउंड। बटर तो मेल्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अंडे को। तो अंडे को इस तरीके से डालिएगा कि इसकी जर्दी बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो ये देखिए, और इसको अच्छे तरीके से इसका जो वाइट पार्ट है उसको स्प्रेड कर देंगे। तो हाफ फ्राई तो हमारा रेडी हो ही चुका है। अब इसको हम रख देंगे जो हमने ऑमलेट बनाया था उसके ऊपर। ये लीजिए, इस तरीके से हमने इसके ऊपर हाफ फ्राई रख दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। और अब यहाँ पर मैंने ली है मेयोनीज़। तो थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ इसके चारों तरफ डाल देंगे। मेयोनीज़ से इसका जायका और अच्छा हो जाता है। चारों तरफ से इस तरीके से इसमें मैंने मेयोनीज़ डाल दी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यूनिक रेसिपी है इस ऑमलेट को बनाने की। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ऑक्टोपस ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही लाजवाब है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा,
और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना ना भूलें, उसकी वजह से मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।